जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है बुढ़ापा पेंशन को लेकर के। हरियाणा में बुजुर्गों को मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन में कर दी बढ़ोतरी। सीएम खट्टर ने अभी अभी 5वां बजट पेश करके और कर दी पेंशन में भारी बढ़ोतरी। एक साथ 2750 रुपये से बढ़ाकर सीधे 3000 रुपये सभी के खाते में आएगी बुढ़ापा पेंशन। हरियाणा में सीएम खट्टर ने बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए पेंशन का किया बड़ा ऐलान, जिससे बुजुर्गों की किस्मत चमकी और जगह जगह पर सीएम खट्टर का ही माला जपा जा रहा है। हरियाणा में बुजुर्गों को मिला लाभ, तो सीएम खट्टर के लिए बढ़ रहा है सम्मान। बुढ़ापा पेंशन को PPP यानी परिवार पहचान पत्र से कर दिया लिंक, सभी के घर बैठे मिलेगी बुढ़ापा पेंशन। राशन कार्ड जो किसी का नहीं बना था वो फिर से नया बनना शुरू हो चुका है। जिसका राशन कार्ड नहीं बना है वो अपने कार्यालय में जा करके जाँच करे और उनको नया राशन कार्ड फिर से वितरित होना शुरू हो जाएगा। अभी अभी दुष्यंत चौटाला सीएम खट्टर की मीटिंग में लगी मोहर, पेंशन में 250 की फिर से बढ़ोतरी, और कहा कि हर साल 2 बार पेंशन में होगी बढ़ोतरी, यानी कि धीरे धीरे 2024 से 25 तक 4000 रुपये सभी के खाते में आने लगेगी बुढ़ापा पेंशन। बुजुर्ग लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। धन्यवाद।